गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना जो करेंट अफेयर है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो करेंट अफेयर है वो 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं फ्रेंड। 5 क्वेश्चंस जैसे कि हमारे रोज़ हिंदी के रहते हैं और 5 क्वेश्चंस हमारे रोज़ इंग्लिश के रहते हैं। तो चलिए हम अपने करेंट अफेयर को देखते हैं, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग डायरेक्ट नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे मैं टिक करती जाऊँगी, इसलिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चंस है हमारा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं आज, ठीक है। आज कौन सा कलर ले लेते हैं हम लोग? आज हम लोग ले लेते हैं हाल ही में किसने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है? कुंग फूनन। ये थोड़ा नाम अजीब है फ्रेंड, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोली थी कि थोड़ा आज का जो वो है वो आप लोग नोट करते जाइएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में वन प्लस कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? नवनीत नाकरा को, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में MCC ने किस भारतीय खिलाड़ी को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? किसे प्रदान की? श्रीनाथ और हरभजन सिंह को, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन ग्रीन एजेंसी अवार्ड जीता है? हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन ग्रीन एजेंसी अवार्ड जीता है? टीवीएस मोटर। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टार इन माई स्काई नामक पुरस्कार किसने लिखा है? दिव्या दंता ने। चलिए आप सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस तो हम लोगों ने देखा, अब हम हिंदी के 5 क्वेश्चंस हो गए, अब इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, रिसेंटली विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट टू गिव कोविड वैक्सीन टू चिल्ड्रंस? तमिलनाडु। क्या होगा इसके आंसर? तमिलनाडु, ठीक है। हमारा 7th क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द IPL 2021 टाइटल रिसेंटली? ये तो आप सभी लोग जाने होंगे कि कौन सी टीम जीती है इस बार IPL में, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। कौन सी टीम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? प्रशांत कुमार मिश्रा। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। हमारा 9th क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन 300 T20 मैच? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और जो लोग क्रिकेट देखते हैं, IPL देखते हैं, उनको तो पता ही होगा कि हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन 300 T20 मैच, MS धोनी। कौन है? MS धोनी। हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड? द यूरोपियन यूनियन। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आप लोग देख सकते हैं ये, इसमें एक बार मैं टिक कर देती हूँ पूरे क्वेश्चंस में। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा हो गया 7, 8, 9 और ये 10 क्वेश्चंस। तो ये थे हम, तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा आज की ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। तो आई होप आज की 10 क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो हम लोगों ने आई थिंक 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर कर चुके हैं करेंट अफेयर के। तो सो उनको आप लोग नोट्स में भी लिखते जाइए। 150 क्वेश्चंस बहुत होते हैं फ्रेंड। तो अगर हम रोज़ 10-10 क्वेश्चंस भी करेंगे
तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, आज का करंट अफेयर यही तक था। थैंक यू।